देहरादून में राज्य शासन के आपदा कंट्रोल रूम में इस समय उत्तराखंड के सभी अधिकारी मित्रों के साथ हूं। मेरे साथ मंत्री विजेंद्र सिंह जी भी और डीजीपी एसीएस होम सब है, पूरी टीम। अभी हमने घटना स्थल से पूरी जानकारी ली है। डीएम, एसपी, डीआईजी और पूरी टीम एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की घटना स्थल पर मौजूद है। केवल 2 शव छोड़ के बाकी सब लोकेट हो चुके हैं। 19 उनमें से ऊपर सड़क पर ले आए गए हैं। 5 और अभी ऊपर लाने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि रात में ही उनको ऊपर ले आएंगे। 2 लोगों को ढूंढने का कार्य अभी जारी है। 4 घायलों को अस्पताल ला रहे हैं। 3 मैक्स अस्पताल में यहाँ पहुँच गए हैं। मैं उनको देखने अभी मैक्स अस्पताल जाऊँगा। हमारी चिंता ये है कि सारे सब ऊपर बाहर आ जाएं। उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है, तो अंततः ये तय किया है यहाँ की टीम के साथ मिलकर कि देहरादून ही उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया जाए। पोस्टमार्टम के बाद सब सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। परिजनों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। मेरे अधिकारी कर्मचारियों की टीम परिजनों के घर पहुंच रही है। परिजनों की इच्छा के अनुसार उनको ले जाने की हम व्यवस्था करेंगे। ले जाने की भी क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, दोनों विकल्प पे हम काम कर रहे हैं। बाय रोड ले जाना पड़ा तो बाय रोड, और बाय एयर भी अगर संभावना हो सकती है तो उस संभावना को भी हम तलाश रहे हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने और प्रशासन की पूरी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। अभी रात में भी उत्तराखंड की टीम यहाँ पे मौजूद है और इसके कारण 4 लोग अभी घायल है। हम कोशिश करेंगे कि वो बच जाएं और बाकी सारे इंतजाम यहाँ पे हो रहे हैं। दूसरी बस के लोग सुरक्षित हैं। मैं परिजनों को, पन्ना के बहनों भाइयों को कहना चाहता हूँ, उनको वहीं पास में ठहराया गया है और सवेरे उनको भी साथ लेके देहरादून आया जाएगा। अब हम मैक्स में घायलों को देखेंगे और यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। अभी मैंने भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने एयरफोर्स के विमान से पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के हम ले जा सकें, इसके लिए एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, उत्तराखंड सरकार से सहयोग मिल रहा है और हम यथोचित व्यवस्था कर पा रहे हैं।